और अगली खबर यूपी के देवरिया से, जहां पर डीएम की बदसलूकी का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में डीएम साहब एक युवक को थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे हैं। युवक का आरोप है कि डीएम साहब ने उन्हें डाकघर परिसर में गाड़ी खड़े करने को लेकर थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ जड़ने वाला ये कोई और नहीं बल्कि देवरिया के डीएम अमित किशोर है। इस वायरल वीडियो में डीएम साहब जिस युवक को थप्पड़ जड़ रहे हैं वो एक कारोबारी बताया जा रहा है। इससे पहले कि पूरा मामला आपको समझाएं, पहले वायरल वीडियो को देखिए। डीएम साहब ने कारोबारी पर हाथ छोड़ा नहीं कि उनकी सुरक्षा में जुटे सुरक्षा कर्मियों को जैसे युवक पर हाथ साफ करने का लाइसेंस मिल गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक युवक पर किस तरह डीएम साहब के 4-5 सुरक्षा कर्मी अपनी ताकत की धौंस जमा रहे हैं। अब डीएम साहब ने पहले युवक को थप्पड़ जड़ा था तो उनके सुरक्षा कर्मी अपनी बहादुरी दिखाने में भला पीछे क्यों रहते। लेकिन जरा ये भी सुनिए कि डीएम साहब ने आखिर किस गुनाह के चलते युवा कारोबारी को इस कदर थप्पड़ मारा। मैं अपने वर्कशॉप से घर पे आके खड़ा था तो श्रीमान महोदय देवरिया के डीएम अमित किशोर जी पोस्ट ऑफिस में निरीक्षण के लिए आए हुए थे। वो निकल रहे थे तो वहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी, पार्क थी उनके पोस्ट ऑफिस के बाउंड्री में। उन्होंने पूछा किसकी गाड़ी है, मैंने कहा मेरी, कहे उसको हटवा लेना। उतारा और बूमा किया कहते हुए अंदर ले गए और वहाँ पे मुझे मारा। उनके साथ में उनके साथ हेड कॉन्स्टेबल लोग ने भी मुझे मारा। संदीप के मुताबिक उसका गुनाह बस इतना था कि उसने डाकघर के करीब गाड़ी पार्क कर दी थी और बस इसी बात को लेकर डीएम साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन पीड़ित कारोबारी के लिए मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई, उसे माफीनामा लिखवाने के बाद ही छोड़ा गया और उसके बाद से पकड़ के कोतवाली ले गए, वहां बैठा दिया। फिर वहां पे मुझसे माफीनामा साइन करा करके फिर उनको मुझे छोड़ा। हालांकि डीएम अमित किशोर इस घटना से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने किसी को नहीं पीटा है, लेकिन वीडियो में जो दिख रहा है वो इसके साफ उलट है। हाल ही में इस तरह की एक घटना अमेठी में हुई थी जहां के डीएम ने एक विशेष अधिकारी के साथ बदसलूकी की थी और इस मामले में अमेठी के तत्कालीन डीएम को निलंबित कर दिया गया था। टीम न्यूज़ नेशन।